नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। बद्रीनाथ धाम पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अचानक सियासी माहौल गर्मा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर कहा कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, उसके बाद बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल बन गया। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे, तब उन्होंने पार्टी और सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया? अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी व सपा की घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या है? इस बयान के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, महागठबंधन के सदस्य सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान उनकी देश और धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे से शुरू हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए। उनका बयान था कि बद्रीनाथ सहित अनेक मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं, तब आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानव्यापी मस्जिद का क्यों? देश के सभी हिंदू मंदिरों की भी जांच होनी चाहिए। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।